हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो HSSC आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से ये वीडियो आपकी रहने वाली है, जो आपकी 9 तारीख यानी कल सुनवाई हुई थी। तो उसमें क्या रहा, उसका ऑफिशियल ऑर्डर आपका आ गया है और पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि किस किस मुद्दे पर बात हुई थी। और फिजिकल हायरिंग में आई है आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर, तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी ऑर्डर के अंदर आई है वो आपको सभी इसमें बताई जाएगी। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर आ गया है, ऑफिशियल ऑर्डर जो आपकी सुनवाई हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी CWPCM आपकी इसमें लगी हुई है, तो किन किनों ने प्रेजेंट इस केस को किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक ही आपकी CM थी, आपकी CM 7110, इसको क्या है यहाँ से वो आपका इनका जो निपटारा करवा दिया गया इसमें आप देख सकते हैं। और एक जो आपका मेन केस है, ये मेन केस की जो सुनवाई हुई थी इसमें आप देख सकते हैं। और डेट आगे आपको क्या है 13 तारीख आपको इसमें दे दी गई है। और मैं आपको क्या इसमें एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या कुछ अपडेट है, और अब बाद में आपको मैं हिंदी में पूरी डिटेल आपको इसमें मैंने कन्वर्ट की है वो आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ अपडेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं अप्लीकेशन ऑफ द इम्प्लेटिंग ऑफ अप्लीकेंट्स आर रिस्पोंडेंस नंबर 4/19 हैज़ बीन फिल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द अप्लीकेंट आर होपफुल फॉर देयर सिलेक्शन एंड एडवर्सिंग इफेक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द स्टे ऑफ सिलेक्शन। तो ये इसमें आप देख सकते हैं स्टे का इसमें मुद्दा है कुछ, अकॉर्डिंग टू इन व्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेड इन ए अप्लीकेंट द सेम इज अलाउड। अप्लीकेंट्स आर मेंशंस इन द पैरा नंबर 3 ऑफ द अप्लीकेंट इज इम्प्लेटेड रिस्पॉन्सिबल। आप देख सकते हैं 4 से लेकर 19 तक अलाउड टू इन्वेंट amended memo of parties in taken on record office is awaiting the same of relevant place। ठीक है, CM stand disposed of। तो इसका मैं आपको पूरा मतलब है वो हिंदी का एक बार इसमें दिखा देता हूँ क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। ये आपका जो CM है 7110, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपका मेन केस ही दे रखे आवेदकों को प्रत्यक्ष संख्या आप देख सकते 4/19 के रूप में पक्षकार के लिए आवेदन इस आधार पर दायर किया गया कि आवेदक अपने चयन के लिए आवंटित है और चयन के रुकने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, यानी आप सभी को पता है इस पर रिजल्ट पर आपकी स्टे लगी हुई है। तदनुसार आवेदन में किए गए अभिकथनों को देखते हुए इसकी अनुमति दी जाती है और आवेदकों के पैरा संख्या 3 में लिखित आवेदकों को प्रतिवादी संख्या 4/19 के रूप में फंसाया जाता है और उन्हें एक्सेप्ट करने की अनुमति दी जाती है और पार्टियों के संशोधन विज्ञापन का रिकॉर्ड में लिया जाता है और कार्यालय इसे संबंधित स्थान में संकलन करे और CM का निस्तारण हो गया है। ठीक है, तो इस CM का वो आप, तो ये आपकी जो अपडेट रहने वाली आप देख सकते हैं मेन केस की जो ये अपडेट है। आर्ग्यूमेंट हैव बीन हार्डेड टू रिबटल द सेक्रेटरी ऑफ रिस्पॉन्सिबल कमीशन शैल फिल द शॉर्ट एफिडेविट गिविंग इन डिटेल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड अगेंस्ट एलियर एडवर्टाइजमेंट। आप दे सकते हैं 20/7/2006 आल्सो गिवन नंबर कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन टू परज्यूम्स ऑफ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप दे सकते हैं 28/12/2020 सिमिलरली नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड क्लियर द बेंच मार्क्स विच हैज बीन फिक्स्ड अक्रॉस द कैटेगरी इंक्लूडिंग द ब्रेकअप गिव बी अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइड नंबर। आप देख सकते हैं 10/3/2021 एंड 18/3 और एफिडेविट विल बी ऑल्सो स्पेसिफाई डेट विच इज रिकॉर्ड टू एनी डिस्ट्रॉयड कीपिंग ए व्यू ओवर सर्वेशन मेड टू प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। डेट आप देख सकते हैं 23/2 कमीशन वेयर हैज बीन ओवरसेन डेट ओनली द रिजल्ट रजिस्टर एंड सेलेक्ट लिस्ट इज अवेलेबल द कमीशन। आप देख सकते हैं मिस्टर नैन विल आल्सो सप्लाई द लिस्ट ऑफ ब्रेकअप केस विच लिस्टेड टूडे एंड द केस फिल इन द विच ब्रैकेट। तो आगे की सुनवाई इसमें आगे की जाएगी और इसमें जो आपका मुद्दा है वो इसमें यही है कि आपका जो इन्होंने जो रिजल्ट रिजल्ट का ऊपर जो आपका आया है इसमें मैं आपको हिंदी भी पूरी अपडेट दिखा देता हूँ हिंदी में क्या कुछ अपडेट इसकी आप हिंदी में पूरी देख सकते हैं। इसमें क्या है मुख्य मामलों में खंडन में तर्क सुने गए और प्रतिवादी आयोग के सचिव एक
हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करेंगे, जिसमें क्या उन उम्मीदवारों की संख्या का विवरण होगा जिन्होंने पहले विज्ञापन संख्या दिनांक आप जैसे 2006 में जो भर्ती आई थी के खिलाफ आवेदन किया था, और उन उम्मीदवारों की संख्या भी दी है जो नए सिरे से लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, और इसी तरह ब्रेकअप सहित सभी श्रेणियों में निर्धारित किए गए बेंचमार्क्स को पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और इंटरव्यू में बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के साथ 10/3/2021 और माध्य से दी जानी चाहिए, और 2021 आयोग की बैठक दिनांक आप दे सकते हैं कार्रवाई में की गई और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हलफनामे में उस तारीख को भी निश्चित किया जाए जिस पर रिकॉर्ड नष्ट किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि केवल परिणाम रजिस्ट्रार और चयन सूची है आयोग के पास उपलब्ध है। श्री नैन ने इस मामले की सूची भी देंगे जो आज सूचीबद्ध है और कौन से मामले किस श्रेणी में आगे आप समझ सकते हैं इसकी जो सुनवाई है वो आगे अब आपकी, तो ये आप दे सकते हैं। इसमें आप जो भी इसमें आपके पहले जिन्होंने फार्म भी भरा था और जो कैंडिडेट पास किया था और जो जिन्होंने अभी जो नए सिरे से फार्म भरा था और इस मुद्दे पर आपकी जो काफ़ी टाइम बहस हुई थी, आप नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं। और ये अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर ये आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है उसके साथ साथ ये जो आपकी जो हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है वो भी आपको क्या वहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्या चेक कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। अभी यही अपडेट थी जो आपकी कल सुनवाई हुई थी 9 तारीख को, तो उसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ गया है, क्योंकि फिजिकल हायरिंग हुई थी, तो फिजिकल हायरिंग आप समझ सकते हैं कि फिजिकल हायरिंग में काफ़ी टाइम से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी जो पे केस की अपडेट चल रही थी, कल की जो डेट थी उसमें आपकी फिजिकल हायरिंग हुई थी, तो उसमें ये अपडेट निकल के आई है। तो ये आपको टेलीग्राम का ग्रुप रहा है, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, ये आपकी पूरी डिटेल मिलेगी, तो वहाँ से आप क्या है चेक कर सकते हैं। ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।